हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज भाई थोड़ा सा जल्दी तैयार होकर निकला हूँ, 9 बजे निकल गया हूँ बहुत दिनों बाद। नॉर्मली 10-10:30 बजे निकलता था। और कमाल की बात यह है कि जयपुर में भी रहते हुए और अगस्त के महीने में आज अपने को हल्का सा गीजर चलाना पड़ा भाई। पूरी रात बारिश होती थी, टंकी से ठंडा पानी आ रहा था, एकदम चिल्ड, तो इसलिए पानी को हल्का सा निवाया किया, तब ना आ गया। और भाई गायों का हाल तो क्या ही बताएं, एकदम पुष्पा जैसा हो रखा है भाई, झुकेगा नहीं, मतलब हिलेगा नहीं, जहाँ बैठ गया सो बैठ गया। कितने ही एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने ही लोगों के साथ। ये देखो भाई, गाय बैठ गई तो बैठ गई भाई, हिलेगी नहीं, कुछ भी हो जाए। आदमी खुद ही साइड से निकालो भाई। मुझे लगता है टनल में आगे कुछ जाम है या क्या इशू है, पता नहीं। और आप ये देखो, टू व्हीलर्स वालों की हिम्मत, मतलब रॉन्ग साइड आ जाते हैं भाई टनल में भी, जहाँ पे टनल खुलते ही सबसे पहले एक्सीडेंट होके टू व्हीलर पे ही डेथ हुई थी। अरे PCR पुलिस वाली गाड़ी जा रही है, गुणी में पानी भर गया होगा भाई, इसीलिए आज इधर पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट है। सब टू व्हीलर्स वाले भी, ये देखो सब टनल से ही जाएंगे ये, और शायद वहाँ वाटर लॉगिंग की दिक्कत हो गई है, इसीलिए ये सब यहाँ से जा रहे हैं। देख रहे भाई कुदरत का करिश्मा, यहाँ धूप निकली हुई है, टनल पार करते ही धूप निकली हुई है, और टनल के उस तरफ बारिश हो रही है जबरदस्त, और इतनी बारिश हो रही है कि पानी भर रहा है सड़कों पर कम से कम आधा आधा फुट का, और यहाँ धूप निकली हुई भाई, मस्त एकदम। वाह भाई वाह, ये गाय को पकड़ने वाले आए हुए हैं, स्ट्रे कैटल्स को। 15 तारीख को भाई जो हमारी राइड कैंसिल होने का कारण था उसको पता लगाने के लिए हमने अभी टायर खोलना शुरू किया है। अब देखते हैं अंदर बेरिंग की प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है। भाई बेरिंग टूटा हुआ निकला है एक्सल का, और टूट के मतलब बिल्कुल ही बिखर गया था, ये छर्रे सब अलग हो गए इसके, इसीलिए आवाज़ बड़ी तेज आई थी जिस दिन टूटा था ये। धुआं देख रहे हो भाई, स्कोडा कितना देरी है, ये देखो, कहने के लिए स्कोडा सुपर्ब है, और गाड़ी क्या मेंटेन कर रखी है भाई ने, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होगा इसके पास। लेकिन भाई धुआं देखो क्या शानदार धुआं दे रही है, जैसे बस देती है ना DTC की दिल्ली में, या फिर जो लोकल बसें होती हैं वैसा धुआं दे रहा भाई। लोग कितने शानदार लोग हैं, रॉन्ग साइड है देखो ये भाई, इतनी भीड़ में भी रॉन्ग साइड आ जाते हैं भाई, गजब ही लोग हैं। तो भाई एक्सल रिपेयर कराने हम आए हैं जालूपुरा थाने के सामने, तो भाई साहब करते हैं यहाँ पे रिपेयर करा रहे हैं, क्योंकि बेयरिंग नया मिला नहीं, इसी को सेटिंग करके और बनवा रहे हैं। ये है भाई वो जो उस दिन टूटा था, जिसकी आवाज़ आई थी टूटने की, ये आइटम है। तो ये अभी नया अपने को मिला नहीं, तो अपन इसका जुगाड़ किया है, पहले यहाँ पे वेल्डिंग के टांके लगा के उसको मशीनिंग करी है, ताकि बेरिंग मतलब जो बॉल्स हैं वो इजीली घूम सके। ये है भाई वो SP XL पॉइंट, अगर किसी भाई को एक्सेल का काम, फिटिंग स्टार्ट हो गई भाई, मार्केट के सारे काम करके सामान वामान लेकर आ गया था मैं, फिटिंग कर दी है स्टार्ट एक साइड की फिटिंग हो जाती है, फिर जाऊंगा खाना खाने भाई, तब तक भाई सब दूसरी साइड की फिटिंग कर देंगे। जो मेन जिस साइड का डैमेज था वो अपन वीडियो में कवर करते हैं, दूसरी साइड तो सिर्फ खोल के अपन ने चेक किया था, उसकी ग्रीसिंग करनी है बस, और कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है उसमें। तो ये एक्सल हो गया भाई सेट, इसके भाई दोनों बेयरिंग ऊपर के नीचे के नए डलेंगे, और दो आगे और पीछे के, मतलब इस साइड के तो चारों बेयरिंग नए, इसको ग्रीस से भाई फुल भर देंगे, ग्रीस की कहीं कमी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो हल्का भी सूखा चलेगा या वो होगा तो फिर वापस से जाम चलेगा या फिर टूटने का डर रहेगा। भाई यहाँ तक की तो फिटिंग हो गई, अब मैं जा रहा हूँ खाना खा के फिर आता हूँ, देखता हूँ आज मिलेगी गाड़ी या कल मिलेंगे। ये भाई इंडियन स्टाइल बड़े साइज़ के नट्स को खोलने और बंद करने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा स्पैनर नॉर्मली कोई लेके रखता नहीं है, तो उसको छेनी से ही खोल देते हैं,
उसी से बंद कर देते हैं। फिटिंग हो गई है भाई दोनों साइड की, लगभग इधर की भी हो गई है और दूसरे साइड की भी फिटिंग हो गई है। ये अब सिर्फ एक काम बचता है, पीछे क्रॉस चेंज करना है शाफ्ट का, वो करने के बाद अपनी गाड़ी रेडी है। ये भाई पीछे का शाफ्ट खोल दिया जिसमें क्रॉस लगा हुआ था, जो क्रॉस ख़राब था ये वाला, अब इसमें नया क्रॉस लगाएंगे तो उसकी जो प्ले थी वो ख़त्म हो जाएगी। भाई ये सारे पार्ट्स चेंज हुए हैं, ये दो बेयरिंग ऊपर और नीचे के, ये दो बड़े बेयरिंग आगे और पीछे के, ये सील हो गई, एक सील ये रही और एक और कहीं होगी, और एक ये शाफ्ट का क्रॉस, ये सारे आइटम्स चेंज हुए हैं। एक तो होते हैं बिजी और एक होते हैं रीजेंट्स, जो गाड़ी के नीचे भी फ़ोन पे बात कर लेते हैं। भाई फाइनली काम हो गया है, गाड़ी मिल गई है और गाड़ी के स्टेयरिंग में काफ़ी स्मूथनेस भी आ गई है क्योंकि पूरा आगे ग्रीसिंग हो गई है व्हील बॉक्स में, और वो जो टूटा हुआ बेयरिंग था वो स्टेयरिंग को भी जाम कर रहा था, तो वो भी अब एकदम स्मूथ हो गया। और मेरे ख्याल से 4x4 की जो वर्किंग है वो भी काफ़ी स्मूथ हो जानी चाहिए। शाफ्ट में जो आवाज़ आ रही थी प्ले की वजह से वो भी ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मिस्त्री का एक प्लस पॉइंट है भाई इसका, जिससे कराया राम अवतार जांगीर, कि काम तसल्ली से करता है, एकदम साफ़ सफाई से करता है, बढ़िया चीज़ों को साफ़ करके ही लगाता है वापस, पेला पाली नहीं करता। बाकी बिजी तो नरेंद्र मोदी से भी ज़्यादा रहता है भाई, फोन हाथ में पकड़े पकड़े जो बोल्ट दोनों हाथों से नहीं खुलता उसको एक हाथ से खोलने की कोशिश करता है भाई। खैर काम हो गया देर सवेर जैसे भी हुआ, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, कुछ जानकारी मिलेगी जो शायद किसी के काम भी आ सकती है, और मिलते हैं आपको किसी अगले ब्लॉग में।